बहुत बहुत ठीक है। एक बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक राजा ने उठाया है अबाउट हाउ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग देयर पेरेंट्स। सभी नहीं, बहुत से तो बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत सामने आती हैं। एक तो मेरे पास दो बेटियां हैं तो मैं जानता हूँ मैं कितना खुशनसीब हूँ। इसमें जो मधु जी ने काम किया है, जो बेटी का रोल किया है, वो फीलिंग जो जनरल ओपिनियन आती है कि जो बेटा होता है वो गद्दार निकलता है और जो बेटी है वो अपने घर को संभालती है, और जो सब ठीक है, टाइटल बड़ा अच्छा निभाया है कि यहाँ लड़की की शादी हो जाती है, अमेरिका चली जाती है, वहाँ बदतमीजी करता है उनका पति उनके साथ, यहाँ इनके पिताजी चले जाते, स्वर्गवास हो जाता है उनका। इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स माँ अपनी बेटी से कहती है यहाँ सब ठीक है, बेटी कहती है यहाँ सब ठीक है। लेकिन ये जो ओल्ड एज होम का जो टॉपिक उठाया है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनका ख्याल करने के बजाय आप उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, घर गिरवी कर देते हैं, इतनी अच्छी तरह पोर्ट्रेल किया है मधु ने और उनकी मदर ने और सभी किरदारों ने, राइट। आई मीन आई वुड से कि ये फुल लेंथ फीचर फिल्म लगती है, 28 मिनट में लगता है कि हमने फुल लेंथ फीचर फिल्म देख ली। और राजा इज़ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, बड़े इन्होंने के ग्रैंडफादर शशादर मुखर्जी साहब, मैं बचपन में उनको मिल चुका हूँ जब मेरी उम्र थी 10 साल की, और लकली थ्रू माई फादर, बड़े अच्छे जीन्स हैं इसके अंदर। ये बड़ा गुणी लड़का है और बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर बनने के आसार नज़र आते हैं। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, आई वुड एडवोकेट, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू सी दिस फिल्म। आंसू टपक ही पड़ते हैं, एक हद तक हम रोकने की कोशिश करते हैं आंसू, लेकिन होता नहीं और आंसू आ ही जाते हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है। देखिए, अगर आप अचानक सब ठीक है पर कुछ क्या बोलें, लेकिन अगर दिमाग में जो जहन में बात अचानक आती है, मुझे तो पता नहीं था आपके दिमाग में शेर व शायरी की बात आएगी अभी, कि एक आप सबसे भीख है, एक आप सबसे भीख है, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए तो सब ठीक है।